और आज की शाम मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपका सब का अभिवादन करता हूं। Life Spring Assembly कलीसिया के इस बाइबल अध्ययन life-transforming दंडरफुल life-changing uh, Word. और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के उस जीवन को बदलने वाले और जीवन के आ, को संपूर्ण रीति से बदलाव लाने वाले परमेश्वर के जीवित वचन का एंड वी आर ट्रस्टिंग द होली स्पिरिट टू यूज दी स्टडीज टू इंस्पायर मेनी मेनी पीपल एंड ऑल्सो अफेक्ट देयर लाइफ मोर And more in the sight of God. और मुझे पूरा ये भी विश्वास है कि हमारी ये सारे बाइबल अध्ययन आप लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने हैं और आपकी सहायता करते हैं कि आप खुद को तैयार कर कर परमेश्वर को प्रस्तुत करने योग्य होने पाए We are in chapter nine of first Corinthians. और पहला कोरिंथियों की पत्री हम उसके नवे अध्याय में अपने बाइबल अध्ययन को रखे हुए हैं ह

Servants of God. और जिस बात को हमने देखा वो ये था कि प्रेरितों की क्या अधिकार है खास रीति से पॉलुस अपने प्रेरित होने के अधिकार को ही रक्षा कर रहा था इट्स पीपल इन चर्च हु टू एक्सेप्ट Uh, for क्योंकि की कलीसिया में ऐसे कई सारे विश्वासी थे जो को कई सारे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे And he his very in a manner. और उसने अपने प्रेरित होने के अधिकार को बड़े हियाव के संग और सबूतों के संग उसकी रक्षा करी सो दिंग टू नोटिस

के जो अपने विषय में वो बातों को कहता है उसमें आगे बढ़े यू स्टडी दिस पास अगर आप वचन के इस भाग को पढ़े यू विल नोटिस पॉल असर्ट्स थ्री आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द चर्च सपोर्टिंग द मिनिस्टर्स जब आप वचन के इस भाग का अध्ययन करेंगे तब आप इस बात को पाएंगे कि पॉलिस तीन तर्कों को सामने रखता है कि क्यों कलिस को पाजवान का सहयोग या सहायता करना चाहिए द फर्स्ट ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट और इसमें पहला तर्क जो पॉलिस रखता है राइट टू बी फेर कि उसके पास अधिकार है कि वो खिलाया जाए या खाना खाए द मिनिस्टर एंड द फैमिली हैव टू ईट और जो सेवा करते हैं याग्वे है, है पासवान है और उनके परिवारों को भी खाने की आवश्यकता है देरफोर और इसलिए इट इज इट इज इट इज देरफोर इट इज इट द चर्च ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड For their ministers. और इसलिए की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने इस अधिकार में जो स्वतंत्रता या आजादी उसे प्रभु यीशु में मिली थी उसको बड़े हिया और बड़ी कठोरता के साथ मजबूती के साथ सामने रखता है To do as God wills, और जैसा आजाद है परमेश्वर वो करने के लिए जैसी उसकी इच्छा है as God wills, uh, to be a of और जैसे परमेश्वर इच्छा रखता है की वो उसके लिए एक आशीष का कारण बनने पाए नोट फ्री टू सर्व द लॉर्ड एस ही क्या मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ जैसी वो इच्छा रखता है इफ आई एम फ्री टू डू गॉड्स वे और अगर मैं स्वतंत्र हूँ परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर के तरीके से करने में वेन आई एम ऑल्सो फ्री टू बी फेड बाई द मिनिस्ट्री इट तब मैं स्वतंत्र हूँ इस बात में भी कि जो सेवा जिस कलीसिया की मैं करता हूँ वो भी आजादी के संग मुझे खिलाए और मेरा सहयोग करे When in that case, और इस परिस्थिति में इट इज द रेस्पॉन्बिलिटी ऑफ चर्च टू सी दैट इट्स मिनिस्टर्स आर वेल प्रोवाइडेड तब ये कलीसिया की जिम्मेदारी है कि उसको इस बात को सुनिश्चित करना है कि उसके अगुए उसके पासवानों उसके सेवकों का अच्छे से ध्यान रखा जाए So the second thing is, और जो दूसरा तर्क पॉलिस रखता है also is free to his और एक अगुवा आजाद है स्वतंत्र है की अपनी यात्रा जो, जो जो सेवा के लिए करता है उस यात्रा के लिए वो आर्थिक सहायता भी कल इसिया से प्राप्त करे मिनिस्टरिंग पॉलिस के समय में सुसमाचार के जो आगवे थे प्रचारक थे वो हमेशा यात्रा करते teaching रहते थे टीचिंग एंड अमंग नंबर ऑफ चर्चेस और प्रचार करते हुए शिक्षा देते हुए कई सारी कलिसियाओं में एंकरेजिंग बिलीवर्स टू बी स्ट्रॉन्ग और प्रोत्साहित करते हुए विश्वासियों को कि वो विश्वास में मजबूत हो जाएं और गहरे रूप से समर्पित हो द प्रीचिंग ऑफ दू समाचार के प्रचार को लेकर so, और यही वहां पर तर्क है Now, have had और जितने भी सेवक हैं, चाहे वो किसी भी युग से क्यों ना आते हो उनके भी यात्रा का खर्चा सभी को जरूरत पड़ती है uh, uh, ने इस बात को सिखाया और बताया कि कैसे एक सेवक एक अगुवे एक सुसमाचार प्रचारक की यात्रा का जो खर्च है वो कलीसिया को उठाना है सो आई टू नोटिस और मैं चाहता हूं इस तर्क के भीतर आप दो और बातों को देखें नंबर पहली बात। और प्रेरित अपने संग अपने परिवारों को लेकर यात्रा करते थे जब वो उन अनगिनत शहरों और दूसरे देशों में सुसमाचार का प्रचार करने को no, निकलते थे that is a,

ये इस बात को दर्शाती है या इस बात का मजबूत दावा है कि कैसे यीशु ही परमेश्वर है यीशु मसीह के वे आधे भाई जो यीशु मसीह के संग रहे वो यीशु मसीह के अनुयाई बन गए उसके पुनरुत्थान के पश्चात नाइन और छठा वचन नवे अध्याय का ही एंड बार्न अबास है राइट टू रिसीव इनफ इनकम दैट ही कैन डेडिकेट हिज फुल टाइम मिनिस्ट्री कि उस पॉलुस और बार्न अबास के पास वो पूरा अधिकार था कि वो उस पैसे को उस सहयोग को कलिसिया से प्राप्त करे ताकि वो संपूर्ण समय को सेवा में देने पाए एंड uh, पॉलुस कहता है

तब जब कलिसिया से उस सहयोग आर्थिक सहायता को प्राप्त करने का पूरा अधिकार उनके पास मौजूद so, था were, uh, in, Corinth, और जबकि वो एक साथ कोरिंथ में मौजूद थे इट वॉज सपोर्टेड By the तब ये उनका अधिकार था कि कुरिंथ की कलीसिया उनका आर्थिक रीति से सहायता करे। is, uh, uh, is, uh, we और ये वो तीसरी बात है जिस पर हमें ध्यान लगाना है एंड फोर्थली चौथी बात कस्टम ऑफ सोसाइटी की समाज के जो संस्कृतियां है जो तौर तरीके है कस्टम फॉलोड बाई सोसाइटी विच नो वन डाउट और क्वेश्चन और अब पॉलिस उनको बढ़ता है जो समाज जिनको मानता है जिनके अनुसार चलता है ताकि कोई भी उसकी बात पर संदेह न करने Now पाए। here he quotes certain और यहाँ पर वो कुछ उदाहरणों को देता है सातवें वचन में देर आर फोर पॉइंट और चार बातों को उस वहां पर हम देखते सोल्जर्स राइट कि उस सैनिक का अधिकार या सिपाही का अधिकार द फार्मर्स राइट और एक किसान का अधिकार द शपर्स राइट और एक चरवाहे का अधिकार एंड द लॉ लॉयर्स राइट और एक वकील का अधिकार द वर्ड ऑफ़ गॉड सेज दिस राइट बिलोंग्स टू द minister और परमेश्वर का वचन बताता है कि यह अधिकार एक परमेश्वर के वचन के सेवक का है ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 24 25 वर्स 4 और व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय 24वां वचन एंड ईच वाज फेड फ्रॉम हिज ऑक्यूपेशन और हर एक को इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि कैसे उनकी व्यवसाय या नौकरी से वो आर्थिक सहायता मौजूद प्राप्त होती है सोल्जर ऑफ क्राइस्ट और ये परमेश्वर का सेवक प्रभु यीशु मसीह का सिपाही या सैनिक है सी the और साथ ही साथ एक सेवा करने वाला एक किसान भी है जो उस बीज को वचन के बोता है द मिनिस्टर इज द शेफर्ड ऑफ फ्लॉक और साथ साथ ही एक एक सेवक दगुआ एक परमेश्वर की वो जो भेड़ है उनका चरवाहा भी है द वर्ड ऑफ गॉड स्टैंड विद द मिनिस्टर और परमेश्वर का वचन सेवक के संग खड़ा होता है द सेंट्रल क्वेश्चन इज और जो मुख्य सवाल है द स्पिरिचुअल लेबर मेरिट मेटीरियल वेजेस क्या आत्मिक परिश्रम हमें जो वस वास्तविक समृद्धि को देता है दस हेल्पिंग पीपल अटेन द हाइस्ट क्वालिटी इज ऑफ लाइफ डिस पे क्या लोगों की सहायता करना एक ऐसा स्थान है जहां पर सबसे उच्च वेतन प्राप्त होना ही है चाहिए दिस स्पिरिचुअल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व प्रोक्लेमिंग, टीचिंग एंड एंकरेजिंग और ये आत्मिक सेवाएं के भीतर हम देखते हैं किस प्रकार से शिक्षा देना घोषणा करना और किस प्रकार से प्रचार करना सम्मिलित है पर्सन इज दस ब्रॉड टू अंडरस्टैंड सीडम्शन द लाइफ अब एंड इटर्नल और इसके द्वारा एक व्यक्ति को दिखाया या बताया जाता है उस जीवन के लिए जो परिपूर्णता का जीवन है भरपूरी का जीवन है जो उसका इंतजार करता है एंड दिस ब्रिंग्स जॉय एंड लव And peace. और ये प्रेम आनंद और शांति को लेकर के आता है चैप्टर और पहला तिमो थी पांचवे अध्याय की ओर हम बढ़े और देखिए वहां पर पॉलिस प्रेरित किस बात को कहता है फर्स्टमती चैप्टर फाइव पहला तिमो थी उसकी पत्र उसका पांचवा अध्याय और अट्ठारवा वचन चैप्टर एटीन पहला तिम उसकी पत्री पांचवा अध्याय अठारवा वचन यू शैल नॉट मसल अन क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है

by the church. तो क्या ये एक सही बात है कि एक सेवक एक अगवा एक पाजवान अधिकारी है कि वो कलीसिया के द्वारा उसका सहायता और सहयोग किया जाए एंड सो कीप दिस वर्स इन माइंड और इस वचन को अपने दिल में और दिमाग में बनाए रखें एन एनिमल यूज फॉर दी ट्रेडिंग ऑफ दी दार्वेस्ट और एक ऐसा जानवर जिसका प्रयोग कटनी या उस खली खेत खलियानों की कटनी के लिए किया जाता है क्योंकि जो बैल मजदूरी कर रहा है उसका मुंह ना बांधना क्योंकि उससे भी वो खाने का हक हाँ है जिसके लिए वो परिश्रम कर रहा है एंड सो आई प्रे दट हेल्प अस अंडरस्टैंड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द चर्च मेंबरशिप और इसलिए मेरी प्रार्थना यही है कि आज की शिक्षा हमारी सहायता करे कि कि एक कलीसिया की क्या जिम्मेदारी है एक विश्वासी की क्या जिम्मेदारी है जस्ट लाइक अ सोल्जर Doesn't have to worry about his daily needs at all. जिस प्रकार से एक सिपाही एक सैनिक को उसके प्रतिदिन की आवश्यकताओं की चिंता करने की जरूरत नहीं army. और वो और उसके परिवार की चिंता तो करता है भारतीय सेना Or a farmer, या उदाहरण के तौर पे किसान he he helped the crops to grow. एंड ही शुड बी दस्ट वन टू एन जो क्योंकि ये किसान ही है जो मेहनत करता है बीज को बोता है पानी और खाद लगाता है तो क्या उसका अधिकार नहीं कि वो उस पहली फसल को कटनी को खाए सो फॉर दिस रीजन और इस कारणवश इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एस टू चर्च और द होल कॉन्ग्रिगेशन टू सपोर्ट गॉड्स मिनिस्टर्स और इसलिए एक ये जिम्मेदारी है कलिसिया की जो निर्देश जो आज्ञाए परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कलिसिया को दी है उसके प्रति कलीसिया जिम्मेदार बने आज्ञाकारी बने और अपने सेवकों अपने अगवों अपने पाज़वानों को मदद करें उनकी सहायता और सहयोग करें as i said और जैसे मैंने कहा जीसस हैव ब्रदर्स हु लिव्ड विद जीसस बिकेम फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट आफ्टर हिज रेसरेक्शन और यीशु मसीह के वो आधे भाई उसके अनुयाई या उसके चेले बने उसके पुनरुत्थान के पश्चात एंड इन वर्स और छठे वचन में ही एंड हैव टू हैव द राइट टू रिसीव इनफ इनकम दैट ही कैन ही कैन डेडिकेट हिज फुल टाइम मिनिस्ट्री और छठे वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से पोलुस और बाननबास के पास वो संपूर्ण अधिकार था कि वो अपनी सेवकाई के लिए पैसे या आर्थिक सहायता को कलिसिया से प्राप्त करें। और पॉलुस कहता है कि वो और बानबास ने दोनों ने अपने हाथों से कार्य किया परिश्रम किया ताकि वो खुद को खुद का सहयोग करने uh, जबकि उनके पास वो संपूर्ण uh, मौका उपलब्ध था वो अधिकार उपलब्ध था कि वो कलीसिया के द्वारा उनका सहयोग किया जाए आर्थिक सहायता किया जाए जैसे कलीसिया दूसरों की करती थी सो लेट्स नॉट वर्ड ऑफ गॉड अमंग और इसलिए होने ना दे कि आप कुड़कुड़ाए या शिकायत करें उस सेवक की या उस अगवे को जो आपके बीच वचन का प्रचार करता है आपको वचन की शिक्षा देता है उसके सहयोग के प्रति सो वाई प्रे दैट ऑल ऑफ अस टेक दिस टीचिंग वेरी सीरियसली और इसलिए मेरी प्रार्थना ये है कि हमें से हर एक इस शिक्षा को बड़ी गंभीरता के साथ ले एंड कीप आवर फास्टर्स और समू मिनिस्टर्स अमंग इन अ गुड फाइनेंशियल कंडीशन सो दैट ही वुड नॉट सफर तब वो पाजवान वो अगवा जो सेवक आपके बीच कार्य करता है आप उसे अच्छी आर्थिक स्थिति में रखें, उसका सहयोग करें आर्थिक रूप से ताकि वो आर्थिक रूप से सही परिस्थिति में बना रहे और today. हम आज के लिए इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करें remember, लेकिन हमेशा याद रखिए वी आर रिस्पॉन्सिबल टू फीड द मिनिस्टर आफ्टर वीक्स Feeds us. हम जिम्मेदार हैं कलीसिया होने के नाते उसका आर्थिक रूप से सहयोग करें जैसे जितना जिम्मेदार वो पाजवान वो अगवा है कि हफ्ते दर हफ्ते वो आपको आत्मिक रीति से खिलाता और बढ़ाता है इसलिए होने दें हम अपने अपने दबावों में ना आए लेकिन उनकी सहायता करे इन आर्थिक स्थिति से और ताकि वो बड़े आनंद के संग अपनी सेवा को हमारे बीच कर आपके बीच कर पाएन इज दस ब्रॉड टू अंडरस्टैंड एंड रिडम्शन और इसके द्वारा एक व्यक्ति को उस उद्धार और छुटकारे के विषय में लाया बताया जाता है eternal, और वो जीवन शांति टू अंडरस्टैंड ऑल दिस और हम इन सारी बातों को हमारे लिए समझना जरूरी ऑल दिस पुट इन टू प्रैक्टिस बाई ऑनरिंग गॉड्स सर्वेंट वेन वी डू दैट we are actually honoring God. Himself. जब हम इन सारी बातों को करते हैं परमेश्वर के दासों का आदर करते हुए तब इसका मतलब है आप परमेश्वर का आदर करते हैं So blessed Lord and God. और इसलिए हमारे धन्य परमेश्वर और प्रभु We thank you for today's lesson. हम धन्यवाद करते हैं आज की शिक्षा के लिए the, which taught us that it is the right of a servant of God to be supported by the church. जिसने हमें सिखाया कि ये एक सेव, सेवा करने वाले पासवान यागवे का अधिकार है कि वो कलीसिया के द्वारा सहयोग पाए। नॉट बी कंसिडर अ बर्ड और इस बात को एक बोझ नहीं समझना है इट इज लेकिन ये एक आनंद है एंड द मोर ब्लेस्ड By the ministry of God's और जितना आनंद के संग हम इसे करते हैं उतना ही आनंद के संग हम उस परमेश्वर के दास और सेवक की सेवकाई का आनंद टू डू ताकि तेरा पवित्र आत्मा हमें हर वक्त उन सही बातों को करने का दोनों पाए और परमेश्वर में बढ़ते चले जाए धन्यवाद परमेश्वर जी सर यशु के नाम में गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आप सबको नाइट और एक अद्भुत रात्रि आपकी बीते राइज अप The और आप न्यू न्यू स्ट्रेंथ एंड बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड बी यूज्ड ऑफ गॉड कल की सुबह आप तो ताजा होकर एक नए जीवन में उठे और परमेश्वर की महिमा के लिए जिए आमीन आमीन विल सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे और हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे अगले बुधवार को आमीन आमीन